चल अपनी एक चल अंदर यूं ही करवा के मान जाए हमारा काम जाए तू करवा दे अरे वो हमारा काम का सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और फिलहाल है जींद के गोगड़िया गांव में और आप देखोगे मेरे चारों तरफ कि आज गांव वाली महिला और आदमी सारे के सारे आड़े पहुंच रहे हैं। और पहुंचने का कारण मैं एक बार आपने बता दूं कि इस स्कूल की जो इधर आप एक बिल्डिंग देखोगे तो उस बिल्डिंग को अधिकारियों ने डैमेज घोषित कर दिया है और दूसरी बिल्डिंग का बजट तैयार कर दिया है। तो मतलब गाँव वाले का कहना है कि क्योंकि जो स्कूल है वो दसवीं तक का है और एक शिफ्ट में पाँचवीं तक का लगा है 8 बजे तक 12:30 बजे थी और दूसरी शिफ्ट है जो 12:30 तक 6 बजे थी बच्चे की शिफ्ट लगा है क्योंकि जो रूम है वे डैमेज हो रहे हैं अधिकारियों ने डैमेज घोषित कर दिए है। ऊपर तय अधिकार 2 बार मुआयना कर चुके हैं तो यह बिल्डिंग है जो डैमेज घोषित करी गई है। और मौके पर फिलहाल बीओ मैडम भी हड़प पहुँची है और एक कुछ गाँव वाले एक तरफ है कुछ गांव वाले एक तरफ है। कुछ गांव वाले का कहना है कि हम स्कूल का ताला लगाओगे लेकिन सरपंच का कहना है कि ताला नहीं लगाने देंगे। तो ये देखो तो बहुत सारे आड़े पहुंच भी रहे हैं और मामला बड़ा हो रहा है तो कड़े गए उन तो पूछेंगे कि पूरा का पूरा मामला आखिर के है क्योंकि आप बिल्डिंग देख सको तो बिल्डिंग तैयार है और गाँव वाले आड़े पहुँच भी रहे हैं महिला भी पहुँच रही है और खूब सारे गाँव के लोग भी पहुँच रहे हैं। तो कुछ लोग इस तरफ है क्या कह रहे हो सर हमारे बच्चे पढ़ना सही लग रहे हैं जी ये तो सरपंच गला बैंस रहे हैं और कुछ नहीं जी हाँ यूँ कह रहे हैं जी फेज रूम में सरपंच नहीं आनी चाहिए या दरफैन में रहनी चाहिए थी ज़्यादा बैंस रहे हैं ना बिल्डिंग कंडम है ठीक सीट टपोरी है जो मैं स्टैंड तंगी नहीं बड़कन की तंगी है जी। राम राम जी पूरा तो ये मामला तो शिफ्ट का है जी बच्चों की 2 शिफ्ट करके उसी का जी मामला क्यों कर रहा है कि बच्चे की 2 शिफ्ट ये बिल्डिंग कंडम के कारण जी बिल्डिंग कंडम है 2 कमरे लेकिन सारी दिखा दी गई है हाँ तो इस समय अभी मेरे पास सुनो जी ईब आप खड़े हो आपने गर्मी देखो कितनी लग रही है एक मिनट सुनो गर्मी आपने देखो कितनी लग रही है खड़े हो आप पौधे के नीचे खड़े हो बच्चा 15 किलो का बैग लेकर घर जाओगा 12 बजे 5वीं तक का इस टाइम 5वीं तक की छुट्टी होगी तो उसको देखो क्या बनाएगी जी। अच्छा आप कह रहे हो बिल्डिंग डैमेज नहीं है तो फिर आप दोबारा एप्लीकेशन डाल दो अधिकारी एप्लीकेशन डाल लीजिए गए थे कर लिया। 2 बार जी वही जी आवा है एक बार जिसने लिख दिया नहीं वो सही थोड़ा लिख सका है तो मतलब क्यों आवा है वो जी कोई दूसरा अधिकारी डैमेज नहीं है बिल्डिंग आपका कहना है नहीं कुछ कमरे तो है बाकी नहीं है जी हाँ चलने के जी इतना अगली तो मेरे ख्याल में 9-10 कमरे तो इस लाइन में है 9-10 कमरे उस लाइन में जी ऊपरले परले भी खुल जी उसमें भी काम चल जी जी। अगर सर देखो मतलब जैसे अधिकारियों ने लिख दिया यहाँ पे लिख भी रखा है कि अंदर जाना है सुरक्षित है अगर बच्चे कल ने इसमें खोल दिए कमरे और पढ़ने शुरू हो गए अगर बच्चों के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार नहीं एक साइड की खोलने जावा नहीं उल्टी साइड तो बंद रखो मैं पूछ रही हूँ कि उसका जिम्मेदार कौन है नहीं उसका तो मेरे पास सुनो खुद ही होगा जी बच्चे ने आप अपने आओगे तो या फिर मतलब गांव उस चीज़ को लिख के दे रहा है कि हम जिम्मेदार अगर बच्चों नहीं मेरे पास सुनो इसमें किसी का लिखत का कुछ नहीं चलता जी मेरे पास सुनो टीचर भी कैसे बैठेगा कंडम बिल्डिंग में नहीं बैठ सकता बच्चे कुछ गांव वाले हैं वे कह रहे हैं कि यह सही नहीं है जो मतलब आप मतलब आज ताला मारने के लिए पहुंचे थे मेरी बात सुनो ये प्रशासन को बुलाने के लिए बात थी मैं बीओ मैडम से मैं खुद मिला था माँ जी ने शिफ्ट में बच्चे तंग हो रहे हैं तो उन्हें तंग हो रहे थे दूसरे बच्चे स्कूल में करवा लो एडमिशन मतलब देखो आपके जो बच्चे हैं मैडम का एक बयान था प्लस टू दूसरे बच्चे में करवा लो प्लस टू तक का एक और स्कूल है जिस टाइम पे अभी गांव वालों से बात की या और भी लोगों से बात की तो उनका कहना है कि मतलब वहाँ आप शिफ्ट कर दिए गए थे तो वहाँ पे क्यों शिफ्ट नहीं करे गए थे बिल्डिंग वहाँ पूछी गई थी लेकिन वहाँ को स्टाफ का आपस का होकर माहौल खराब हो जाएगा फलानी हो जाएगी मतलब स्टाफ ने मना कर दिया आपस का स्टाफ का आपस में कहते भाई ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ जाए और निकल स्टाफ ने फैला दिया यहाँ माहौल खराब हो जाएगा तो उसमें पेरेंट्स को गलत सूचना सूचित कर दिया गया और बात करेंगे एक बारी सरपंच साहब सरपंच साहब आज गांव वाले जड़े थे हमने फेरा फटाया तो ताला मारने के लिए पीछे हाँ जी तो फिर अगर दोनों तरफ तक कुछ गांव वाले एक तरफ है कुछ गांव वाले एक तरफ है तो आपने सारा मामला क्रिएट देख लिया ये राजनीति प्रोग्राम है सारा सौदा है लेकिन मन्ना भी नमक का टाइम दिया मैं कोशिश करूँगा कि 20 दिन में काम करूँ मेरे ये बच्चे चल मेरे को नहीं पढ़ते हो रहा लेकिन मैं गांव में बनाए रखे हूँ मेरे ही हैं
मैंने सोचू मेरा बालक गरीब बच्चा पढ़ागा नौकरी पर लागेगा और गरीबी मदद ऊपर आवा जी काम चलागा। अभी ये जो कमरे हैं आड़ा डैमेज हैं सारे, भी रखा कि अंदर जाना है और दो बार मेरे ख्याल था अधिकारी निरीक्षण भी तीन बार करके जी तीन बार कर चुके हैं जी। और ये अपने बस की बात भी कोई आई एस आई पी एस जो ऊपर बैठे हैं जी वह कंडम करके जाए इंजीनियर कंडम करके जा रहे हैं। गाँव वालों का कहना है कि कुछ कमरे डैमेज है बाकी ठीक है वह पाँच आदमी जी। अगर आपके जो कमरे ठीक है तो फिर आप नई बिल्डिंग का बजट नहीं दे सकते जी, फिर हमारी नई बिल्डिंग नहीं बनेगी जी। वही फिर हमारा एक बारी पहला हॉस्पिटल बना था जी आज तक 50 साल पहले वनू गाना रोड आट कह दिया और हमारा ऊंचाना चला गया। अभी मतलब नई बिल्डिंग का बजट नया है? बिल्डिंग 4.5 करोड़ रुपये हमारे पास हो रहे हैं जी। अगर ये हम बिल्डिंग बड़े ताजी कर देंगे जी बाबा मेरी मेंटेनेंस कर लिया तो वो कैसे बनेगी जी। आप घर बदला है दिक्कत तो आवा नहीं तो अभी भी मैडम उनका यही कहना है सरपंच साहब गल लाके ना ये अपना अपना खाता मतलब ले लिया अपना पंचायत खाता नाप करो मैंने आश्वासन दे दिया मामे कर दूंगा मेरे काम के बालक है इतना 4.5 करोड़ की बिल्डिंग बनाएगी तो ना कर लेंगे मगर काम तो चलाना पड़ेगा। काम तो चल रहे हैं साइड का काम चल रहा है। हाँ काम चल रहा है आपने देख लो जी काम चल रहा है। आपने एक महीने का टाइम हाँ एक महीना टाइम लगा साइड तुम्हारा 5-7 दिन में लग गया हाँ शिफ्ट खत्म कर देंगे जी बिल्कुल यही चलेगी जी। बच्चे तो मारे हैं जी लेकिन इनकी जो ये विरोध कर रहे हैं मैंने ना ये गलत है इनका दिमाग में फतूर होगा और में कि मेरे और किसी ने आगे बुका रखे हो मेहनती गलत नहीं मानता लेकिन यहाँ भी लेकिन इनका दिमाग में बात बढ़ नहीं रही। चलो आज ही मेरा काम के मेहनती समझाऊँ भी भाई इसी तरह की बात है हिंदी भी अपना सांत्वना दे गया हिंदी ठंडा करूँगा और इस मामला ना पूरा बंद कराएंगे अगर नहीं बढ़कर ना पढ़ाई में दिक्कत आवा। तो भाई ताला मारना तो सरासर गलत है क्योंकि उसमें है ना बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हुआ। ताला लगने नहीं दिया है क्योंकि गाँव है जो सरपंच साहब है अभी वो मैडम है मौके पर आ गई थी। एक बार आपने थोड़ी बिल्डिंग और दिखा दे एक बार बिल्डिंग दिखा दो या वो बिल्डिंग है जो दो बार नहीं वो लाइव था अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ा राम राम में राम राम में पुष्पा रानी बी उचाना तो मैम आप मौके पे पहुंचे हो जी तो जो मामला था उसमें क्या सामने आया ऐसा कुछ नहीं है मैडम मामला सामना जो बिल्डिंग है डबल शिफ्ट में स्कूल लगाया गया है पीडब्ल्यूडी बीएनआर द्वारा घोषित की गई है तो जो डबल शिफ्ट में स्कूल लग रहा है तो लोगों की मांग है कि एक शिफ्ट में कर दिया जाए। तो अभी क्या सलूशन निकला उसके उच्च अधिकारियों को दे दिया जाएगा ये मामला लिखवा के ग्राम पंचायत से और उच्च अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। मतलब सरपंच साहब ने एक महीने का टाइम भी मांगा है। हाँ बिल्कुल सरपंच साहब बिल्कुल एक्टिव हैं और वो गाँव के बच्चों के हित में भी जा रहे हैं। मतलब आज गाँव वाले स्कूल को ताला लगाने के लिए मेरी नॉलेज में ये नहीं आया कि गांव वाले ताला लगाएंगे सिर्फ उनकी एक मांग है कि स्कूल को एक शिफ्ट में लगाया जाए। तो आपको इन्फॉर्म गांव वालों ने किया सरपंच मेरे को सरपंच साहब ने किया। तो भाई पूरा का पूरा मामला आपके सामने है हमने गांव वालों की भी सुनी है बीओ मैडम की भी सुनी है सरपंच की भी सुनी है। यह बिल्डिंग है जो डैमेज कर दी गई है 2-3 बार अधिकारी है जो निरीक्षण कर चुके हैं और अगर बिल्डिंग डैमेज नहीं है तो फिर नई बिल्डिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। और जब 2-3 बार अधिकारी आ चुके हैं आपने सरपंच साहब की बातें सुनी गांव वालों की भी बातें सुनी जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी हमने बात की कि पूरा का पूरा मामला के है। तो इस मामले ने लेकर आपका के कहना है ज़रूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय हिंद।